तो अभी तो जो डीएम सर का जो डायरेक्शन है कि इसमें जो जो भी कोचिंग संस्थानें हैं तो सुरक्षा की जो मान ये है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उसमें कई जो ऐसे कंडीशंस है कि जैसे कि अलग अलग एंट्री होनी चाहिए, अलग अलग एग्जिट होनी चाहिए, फायर का एनओसी होना चाहिए, फायर होने की स्थिति में जो भी पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं वो उस जगह पे रहने चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए, तो वही हम लोग जाँच कर रहे हैं। कितना टाइम आप लोग ने दिया है कि आप लोग प्रॉपर पेपर वगैरह सबमिट कर? तो इसमें हम लोगों को अभी डीएम सर ने 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन में सभी कोचिंग संस्थानों का जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है। कल के बैठक में डीएम सर के द्वारा जहाँ जहाँ इन लोगों को बताया है कि जहाँ जहाँ दिक्कत गैप्स है, जहाँ जहाँ नहीं भी है कोचिंग संस्थानों के पास, उसको तुरंत प्रोसीजर में अप्लाई करके इनको 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने में उनको समाधान करना है। सर एक और प्रॉब्लम है, कोचिंग का अपना प्रॉपर पार्किंग नहीं होता है, लोग जो भी स्टूडेंट या बच्चे पढ़ने आते हैं उनको गाड़ी लगा देते हैं, उससे भी दिक्कत आ रही है। क्या सरकार इस बारे में लोग कुछ सोच रहे हैं? इसमें सबसे जो भी जांच चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज का देख रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज को में सभी को मैंडेटरी पार्किंग देना होता है, तो हम लोग इन लोगों से वो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज के तहत आप लोगों ने एनओसी लिया है कि नहीं लिया है। जांच कंटिन्यू रहेगी? हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा। सर एक खबर आ रही है जो खान कोचिंग बंद है, क्या उसको शासन ने सील किया या खुद अपने बंद कर दिया? नहीं, हम लोगों ने अभी तक कोई सील का आदेश नहीं दिया है। उन लोगों को हमने बोला था कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिखाइए, तो हो सकता है अपने आप उन्होंने बंद किया होगा। तो अभी तो जो डीएम सर का जो डायरेक्शन है कि इसमें जो जो भी कोचिंग संस्थानें हैं तो सुरक्षा की जो ये है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उसमें कई जो ऐसे कंडीशंस है कि जैसे कि अलग अलग एंट्री होनी चाहिए, अलग अलग एग्जिट होनी चाहिए, फायर का एनओसी होना चाहिए, फायर होने की स्थिति में जो भी पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं वो उस जगह पे रहने चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए, तो वही हम लोग जाँच कर रहे हैं। कितना टाइम आप लोग ने दिया है कि आप लोग प्रॉपर पेपर वगैरह सबमिट कर? तो इसमें हम लोगों को अभी डीएम सर ने 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन में सभी कोचिंग संस्थानों का जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है। कल के बैठक में डीएम सर के द्वारा जहाँ जहाँ इन लोगों को बताया है कि जहाँ जहाँ दिक्कत गैप्स है, जहाँ जहाँ नहीं भी है कोचिंग संस्थानों के पास, उसको तुरंत प्रोसीजर में अप्लाई करके इनको 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने में उनको समाधान करना है। सर एक और प्रॉब्लम है, कोचिंग का अपना प्रॉपर पार्किंग नहीं होता है, लोग जो भी स्टूडेंट या बच्चे पढ़ने आते हैं उनको गाड़ी लगा देते हैं, उससे भी दिक्कत आ रही है। क्या सरकार इस बारे में लोग कुछ सोच रहे हैं? इसमें सबसे जो भी जांच चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज का देख रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज को में सभी को मैंडेटरी पार्किंग देना होता है, तो हम लोग इन लोगों से वो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि बिल्डिंग बायलॉज के तहत आप लोगों ने एनओसी लिया है कि नहीं लिया है। जांच कंटिन्यू रहेगी? हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा। सर एक खबर आ रही है जो खान कोचिंग बंद है, क्या उसको शासन ने सील किया या खुद अपने बंद कर दिया? नहीं, हम लोगों ने अभी तक कोई सील का आदेश नहीं दिया है। उन लोगों को हमने बोला था कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिखाइए, तो हो सकता है अपने आप उन्होंने बंद किया होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।